कोशिश करके एक होर वीडियो बनाने आ, आज कुछ होर होन वाला है। असि वैसे उस्ताद जी दा मुशायरा बनाने आ, पर आज देशभुख ते मुशायरा होन लगे है जी। ते एदे विच होणगे साडे अपने जुनैद सलीम साहब, ते ईद दा जो है स्पेशल प्रोग्राम मुशायरा है, ते नसीम इक्की भाजी होणगे, बब्बू राणा साहब होणगे, ते विक्की कोडू साहब भी होणगे, बथेरे लोग की मैनू नजर आ रहे सीगे, तस्लीम अब्बास साहब भी हैगे शायद वीडियो दे विच। ते वीडियो नूं कर देने आ स्टार्ट, जिधर तक बना सकांगे बनावांगे, बाकी दी गलबात उत्थे करदे आ। कर दो जी मुबारकबाद, नेक तमन्ना हाजिर है आपका अपना जुनैद सलीम, और आप देख रहे हैं देशभुख जुनैद के साथ। नाज़रीन, ईद उल अज़हा या ईदैन के मौके पे आप अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ चैनल्स पे मुशायरे या मुज़ाहिया मुशायरे देखते हैं, सुनते हैं, महसूस होते हैं, ईद की खुशियाँ दुबाला करते हैं। आज हमने एक अजीबोगरीब तजर्बा करने की कोशिश की है। हम आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मिज़ाहिया मुशायरा लेके आए हैं जिसमें मिज़ाहिया शायर भी होंगे और हमारे मिज़ाहिया फनकार भी। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं अपने मुशायरे की तरफ। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतइज्जो मन तशा व तज़िल्लो मन तशा। बहुत सुना लग रहा है। मैंने ये क्यों पढ़ा है? हमने आज बड़ा हाथ मार लिया है। कैसे? अपनी औकात से ज्यादा बड़े शायर बुला लिए हैं और मुल्क के नामवर मज़ाहिया शायर एक एक लफ्ज पे महारत रखते हैं और एक एक लफ्ज कह के फिर उसके ऊपर ताकत भी रखते हैं कि हम कह सकते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे शो में तशरीफ लाए। मैं अपने नाजरीन से, देखने वालों से सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अपने अपने हफाजती बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस हादसे में वखियां टूट भी सकती हैं। क्योंकि वखियों का क्या एतबार, वखियां तो आखिर वखियां होती हैं, वखियां उड़ीक दियां, अखियां एक पासे। आज आपको भी पहली बार मेहनत करते हुए देख रहा हूँ, वरना सारा दिन वेले बैठ के वखियां मारते रहते हैं। भाई, वखियों के जरोकों से मैंने देखा जो सामने नजर आए, सब शायर नजर आए। वखियों को रहने दे, वखियों के आसपास दूर से देखी बुझती रहे प्यास। ये वखी पे वखी मार रहे। जिस शायर की तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, इनका शेर सुन के इंशाल्लाह आप जरूर कहेंगे हो मेरी तो वखी चढ़ गई है। तशरीफ रखते हैं जिए नजम साहब। और मज़ाहिया शायरी का एक बड़ा नाम हमारे साथ हैं, डॉक्टर अतीक अनवर साहब। और हमारे हर दिल अजीज हमारे शो में अक्सर आते रहते हैं, अहमद सईद साहब। और हमारे हर दिल अजीज अली डार साहब। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मज़ाहिया शायरी की दुनिया के सरपंच, हर बात करते हैं पक्की और सियानी, सैयद सलमान गिलानी। और मजाक के साथ शायरी के साथ दिमागों का इलाज भी करते हैं जनाब डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब। क्या बात है, पीएचडी है ना? मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं जिनके हाथ के नीचे बैठा हूँ वो मजाक के बादशाह हैं, डॉक्टर ताहिर शहीद। और मेरे बराबर में जो शायर तशरीफ रखते हैं, इनका तारफ अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो ये और मिट्टी हो जाएंगे, जनाब अशफाक मिट्टी। तो आज हमारे मुशायरे में वो चौधरी साहब भी तशरीफ रखते हैं, उनसे हमने ये सारे फटे किराए पे लिए हैं। इनके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि इनका नाम मैं नहीं जानता, नहीं जानता। इनकी बीवी इनको यही कह के बुलाती है, जी सुनते हो, सुनते या नहीं सुनते। तो मैं आपके साथ इनका तारफ करवा देता हूँ, जनाब चौधरी शायर साहब। चौधरी शायर साहब, बस नहीं। तो जनाब अली, शायरों की दुनिया में एक छोटा सा अजाफा, छोटा सा क्यूट सा बाबा सा सेलो वाला शायर नदीम पोरा साहब और उनके साथ सेलो वाला हमारे आज के वो जो आते ही मुझे कह गए थे कि मुझे शायरी की कोई समझ नहीं है, आपने शेर जो है वो खुद ही समझने हैं। जनाब
कुमार ख्यालवी साहब, मामा भांजा, ये आपने रिश्ता तो सुना होगा जी, लेकिन जी। दो शायर नहीं सुने होंगे। आज हमारे मुशायरे में मामा भांजा तशरीफ लेकर आए हैं, जो किसी के ऊपर नहीं, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो देखते हैं कि कौन किस पे ज्यादा अटैक करता है। जनाब मामू अनीक और भांजा यूनिक। हमारी खवातीन शायरा में मौजूद है हमारे पास। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारी शायरा है, इनकी शायरी में आपको अशियाए खुर्दोनोश में कमी नहीं मिलेगी। अच्छा। हमारी बहुत ही प्यारी परवीन खाकर। वाह, कितना कुछ खाकर है ये तो। एक वाले। और दूसरे नंबर पर जो हमारी शायरा है, ये अपने फन में कमाल रखती है और दो नाम रखती है, माँ जबी पिंकी। सबसे आखिर में जो हमारी शायरा है, इनको अपने शेरों पे खुद एतबार नहीं होता, लेकिन आज कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगी कि सबको इनके ऊपर एतबार आ जाएगा। सुरखाब जरकावी। जनाब सदर, आज के मुशायरे का आगाज जो है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं एक सीधा इंसान हूँ, मेरा मजाहिया शायरी से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मामू जी ने लिख के दिया है। तो जनाब आज का जो आगाज है वो आपसे ही होगा, क्योंकि आप हमेशा हमारा चेजा लेकर निकल जाते हैं। बस चेजेबाजी नहीं चलेगी। तो फिर अगर गिलानी साहब मुझे इजाजत देंगे मैं तभी पढ़ूंगा। जनाब जनाब हम तो मुंतजर हैं। मुशायरे तो बाद में गिलानी साहब को दम भी कराना था पता। यार तानू मुशायरे दी पई है चोरी, मेरी जेब च हाथ पाई जी अंडे। अच्छा जी, लिखी थी मैं पढ़ देता हूँ मेरे लिए। जी इरशाद इरशाद। अच्छा जी, कद काठ भी कम नहीं था कुछ वेट ज्यादा। कद काठ भी कम नहीं था कुछ वेट ज्यादा, इस गोटे चुनीदा का था यूं रेट ज्यादा। बकराए आजिज के ये मैं नहीं करता। है बकराए आजिज के ये मैं नहीं करता। है चलता भी कम रहता है लम लेट से आधा। साहब गौर कीजिएगा जनाब, किसी शान से देता है और बच्चे को सेल्फी। देता है और बच्चे को सेल्फी। बकरा ये कम लगता है बिल गेट से आधा। मैंने आपको एक नाम दे दिया जनाब, इसको पक्का कर लीजिए, बल्कि अपने आईडी कार्ड पे लिखवा लीजिए, जुनैद उकाड़वी। अब मैं दावत दे रहा हूँ जी, हमारे सबसे पहले जो शायर हैं, आप इनको सुनेंगे तो आप वाह वाह किए बगैर नहीं रह सकेंगे। क्या बात है। और हम ये भी जानते हैं कि आपका और इनका बहुत पुराना साथ है। बहुत देर बर्दाश्त किए मैंने। अच्छा, वो भी मैंने एक एंड ऐसी बात। तो मैं दावत दे रहा हूँ जनाब डॉक्टर ताहिर शहीर साहब को। क्या बात है, आए जी आए। चार आपकी नजर करूंगा जो है अपने मैके में था बेगम ने दिखाना बकरा। अपने मैके में था बेगम ने दिखाना बकरा, इसलिए हुक्म था लाऊं मैं तवाना बकरा। और बोली डिजाइन जो फैशन में है इन वो लाना। बोली डिजाइन जो फैशन में है इन वो लाना, पिछले मॉडल कर रहा ले आना पुराना बकरा। सही बात है, नया बकरा चाहिए चिट्टे रंग का। मुझको लगता है कि बकरों में भी सौज आते हैं। मुझको लगता है कि बकरों में भी सौज आते हैं। चौधरी बकरा, मलक बकरा, टिवाना बकरा। क्या बात है। हाँ, मुगल बकरा बड़ाई था के भट्टी बकरा। बहुत अच्छे। हाँ, मुगल बकरा बड़ाइच के था भट्टी बकरा, राजपूत असली के बट बकरा या राणा बकरा। और खाल सिलाल आया था दर्दी से मियां, इसलिए खाल सिलाल आया था दर्दी से मियां, उसकी बेगम ने उसे ही था बनाना बकरा। सारे शहरी औरतों ने डगे सारे चोरी सही है। बाजारों में अन्ने वाह महंगाइयां मार गई। पहले बाजारों में अन्ने वाह महंगाइयां मार गई, उस पे नाके ऊपर हमको पुल्स कमाइयां मार गई। और माठी से माठी का मांगे 2-3 लाख तो कम अज कम, बकरे तो पहले महंगे थे अब तो गाइयां मार गई। क्या बात है, वेरी गुड। पर इतने काले नहीं था होना, धूप में ज्यादा फिर बैठे। कैमरामैन
ये काली वाली बात पे मामू का क्लोज ले लो। काले नहीं था होना आमद, इतने काले नहीं था होना, धूप में ज्यादा फिर बैठे साड़ी सारी ब्यूटी नूते जून जुलाइया मार गई। जून जुलाइया मार गई, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। तो जनाब अब ईद के हवाले से मैं अपने ताजा कलाम से आगाज करता हूँ। ईद दे दिन भी खादी दाल, जाती होगी साडे नाल, सोच सोच के लंघदा साल, सोच सोच के लंघदा साल, गोश्त लवांगे भर भर थाल, वड्डी प्लेट च छोटी बोटी, देखो छोटियां बावां ने वड्डी दाद में पहली बारी वेखी, बोटी की गल होई ना नू अपनी पै गई, मजबूर है बेचारा, कहिंदा वड्डी प्लेट च छोटी बोटी खाण लई बह गई बिल्ली नाल, उन्हें कीते तीन बकरे ऊंट ते गावां, ऊंट ते गावां ओदे कोल सी हराम दा माल, ज्यादती हो गई साडे नाल। अजीन यहां मुझे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अब चलते हैं उस शायर की तरफ जिसका दिल से इंतजार है। कौन से तशरीफ ला रहे हैं? सईद सलमान गलानी साहब। गलानी साहब दम करने दे। मेरी बेगम ने था एक छोटा सा पाला लेला, मेरी बेगम ने था एक छोटा सा पाला लेला, साल का होने को आया है वो काला लेला, साल का होने को आया है वो काला लेला, उसको रखती है अजीज अपने वो भाई की तरह, रखती है अजीज अपने वो भाई की तरह, यानी ले ले को है कहती मेरा लाला लेला, मेरी लैला को बहन समझे ना समझे लेकिन मेरी लैला को, हम मेरी लैला को, मेरी मेरी उनकी मेरी लैला को बहन समझे ना समझे लेकिन बहनों ही समझता है वो साला, बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, कानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा, कानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा, ले गया कलेजी कोई फेफड़े कोई, ले गया कलेजी कोई फेफड़े कोई, मेरी पाए गुर्दे कसाई ले गया, मेरी पाए गुर्दे कसाई ले गया, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया, बकरे की आने लगी गैब से सदा, परदेसी मेरा दिल ले गया, परदेसी मेरा दिल ले गया, ले गया। क्या बात है जी, कव्वाल की लोकाल से आगे नहीं गए, कव्वाल की लोकाल से आगे नहीं गए, हम लोग भी धमाल से आगे नहीं गए, हम लोग भी धमाल से आगे नहीं गए, हम लोग भी धमाल से आगे नहीं गए, डॉलर दिरहम रियाल से आगे नहीं गए, डॉलर दिरहम रियाल से आगे नहीं गए, लीडर हो सुलेमान से आगे नहीं गए, लीडर सुलेमान से आगे नहीं गए, हम
को है अपने 14वें बच्चे का इंतजार, हमको है हमको है अपने 14वें बच्चे का इंतजार, तुम तीन चार बाल से आगे वो सराय की बोली की लज्जतें, क्या जाने वो सराय की बोली की लज्जतें, जो लोग खाने वाल से क्या बात है जी, तो बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख दो बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख चांपों के एक थाल से आगे यहाँ से आपकी मर्जी, क्या बात है सर, क्या बात है, पैसा ही ना के गोश्त दोस्त कई पहुंचे अस्पताल, खा खा के खा खा के खा खा के खा खा के गोश्त दोस्त कई पहुंचे अस्पताल, साधु शुक्र अस्पताल से आगे, जमहूरियत के नाम पे 70 बरस हुए, जमहूरियत के नाम पे 70 बरस हुए, हम लोग भेड़ चाल से आगे, क्या बात है, क्या बात है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बेशक मटन पसंद है गीलानी पर कभी, शेर कहने के लिए पूरी गजल मैंने कही, बेशक मटन पसंद, बेशक मटन पसंद है, मटन पसंद है गीलानी पर कभी, हम हद्दे एतदाल से आगे, क्या बात है, अब जनाब मैं बारी दे रहा हूँ अपने इस देश बुक के शायर को, जनाब मिट्टी साहब को, मिट्टी मेरा तखल्लुस है, पेंसिल कापी का मोहताज नहीं, जो आमद होनी शेर है, और मैं काफी रदीफ दे विच फसदा नहीं, तो नज़म का उनवान है कि हाय कसाई, एक बकरा पूरे साल दी कमाई, हाय कसाई हाय कसाई, एक बकरा पूरे साल दी कमाई, हाय कसाई हाय कसाई, 30,000 मंगदिया ओनू शर्म ना आई, हाय कसाई हाय कसाई, बकरे तो पहले उन्हें खल मेरी लाई, देखते ही देखते हुई जेब की तबाही, हाय कसाई हाय कसाई, कुर्बानी के बाद फौरन ब्लड प्रेशर की दुआई, हाय कसाई हाय कसाई, फिर भी मुझे नींद ना आई, हाय कसाई हाय कसाई, कहने लगाओ मैं लूंगा 3 राने, मैंने कहा तीसरी तेरी अम्मी ने बनाई, मामू अभी मेरे तरह के सारी स्मेल असी सुंगनी है। इन केकों की ये बरसात जारी रहेगी, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। तो गाइस आज की वीडियो में इतनी खत्म करांगे, वीडियो काफी लंबी है, मैंने लगता है पूरे ही मुशायरे दी है, सो सेकंड पार्ट ऑफ मुशायरे दा कल दी वीडियो लेके आवांगे, फिलहाल तुसी इना कबूल करो, बहुत मजा आया है मुशायरे, असी जिद्दां वीडियो स्टार्ट करने तो पहले ही किया कि उस्ताद जी दे सुनदे हैं, सजाद जानी दे सुनदे हैं, बट बहुत डिफरेंट की कहते कैरेक्टर सी, एक तरीका बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ तरीका, बिल्कुल ही ए वाला जेड़ा गिलानी साहब का तरीका सी, मैं एक तो सुर दे विच उपरों वर्ड्स दी सिलेक्शन इन्नी सोहनी, एक बकरे की स्टोरी इन्नी सोहनी उन्होंने कनेक्ट की, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे तरीके उन्होंने पढ़िया, उस तो पहला जेड़ा सब तो पहले वाले जेड़े आए थे उन्होंने भी मतलब एक डिफरेंट स्टाइल देखने को मिलता है ना, तो वो चीज अच्छी लगती है, क्योंकि एक ही चीज में तुसी बार बार देखते रहो तो उन्हें पता है कि हाँ उस बंदे का स्टाइल है वो इदा ही बोलता है, बट एक तरह नया बंदा देखने को मिले बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल वाला, तो अच्छा सी बहुत घेंट सी, हम जो बाकी रह गए क्योंकि बहुत लंबी गेस्ट लिस्ट थी उन्होंने, वो सेकंड पार्ट से इस पासे वाले ने बोलना, यानी तस्लीम अब्बास साहब खुंखार वाले खुंखार कॉमेडियन सजाने ने बब्बू राणा साहब ने वधिया जगह बना ली, चंगे शायरों नाल बह गए ते उस साइड वाले यानी चौधरी साहब और बाकी सारे ने भी बोलना, बट आई थिंक
क्योंकि डिफरेंट टाइप की वीडियो सीगा मुशायरा ही पर जिदा असी देखे है कि भी हर उस्ताद जी दे प्रोग्राम दे विच हर कोई एक टॉपिक ते जो है लिख के उन्हें फनी तरीके नाल प्रेजेंट करते हैं या उदा का गेटअप लेके प्रेजेंट करते हैं बहुत यूनीक यूनीक और टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज़ा दे बारे कहते हैं बट ए वाले ए वाला मुशायरा देख के मैनू उदा की फीलिंग आई जिदा असी हाफी साहब दे बनाने या उस टाइप के क्योंकि बहुत सीनियर जड़े है आर्टिस्ट ने उन्हों की अफकोर्स एक्सपीरियंस काउंट करता उन्होंने वे ऑफ सेइंग काउंट करता है और अफकोर्स फनी भी है पर उन्होंने उन्होंने एक्सपीरियंस नूच पा के वीडियो बनाई जिदा इन्होंने कहा कि गिलानी साहब बड़े सुरीले बहुत ही ज्यादा मतलब मैं फर्स्ट टाइम इदा का कोई मुशायरा सुनिया है या देखिया है जिद बहुत म्यूजिकल तरीके नाल शायरी पेश की गई है ते बहुत ओ यूनिक चीज सी ते पहले वाले डॉक्टर साहब भी जिन्होंने बहुत उन्होंने भी बहुत सोनिया गल्लां कीतियां ओवरऑल बहुत वधिया कॉन्सेप्ट सीगा एंड आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि इस तो बाद वाला यूजली हर वीडियो का सैकेंड हाफ बहुत वधिया होंदा 90% ऑफ द टाइम ते ए भी बहुत वधिया सी सैकेंड हाफ भी बहुत वधिया होना चाहिए ते इस दे नाल सानू दे दो इजाजत मिलने इस वीडियो के नैक्सट पार्ट के तद तक लई सत श्री अकाल ते खराब इस तरह।